अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा बेस घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से और वो भी बिना ईस्ट के। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल, उसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदा मैं यहाँ पे एक छोटी कटोरी ले रही हूँ और फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक इतना ही डालिएगा कि हल्का सा नमकीन रहे, और आधी चम्मच बेकिंग सोडा और आधी चम्मच ही इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और तकरीबन 2 चम्मच इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद ही इसका डो बनाइएगा, क्योंकि जब आप ऐसा मिक्स करेंगे तो बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों मैदे में अच्छी तरीके से हर तरफ मिक्स हो जाएंगे। तब जब आप इसको बेक करेंगे तो ये अच्छे से बेक होगा। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही यहाँ पर मैंने आधी छोटी कटोरी लिया है, इसको मैं धीरे धीरे ऐड करके डो बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा दही नहीं यूज़ करेंगे। पूरी दही हम डाल के एक बार में भी इसका डो बना सकते हैं, लेकिन आटा ज़्यादा गीला ना हो जाए इसलिए थोड़ी थोड़ी दही ऐड करके ही इसका डो बनाएंगे। और अगर दही कम पड़ जाएगी, मतलब अगर ये दही से अच्छा डो नहीं बनेगा, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए दही मैंने ऐड कर लिया है, तो उतना मतलब दही काफ़ी नहीं था, दही कम हो गया है। तो अब ज़्यादा दही इसमें नहीं ऐड करना है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो डो मेरा यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसकी लोई बना लूँगी। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बेस बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पिज़्ज़ा बेस भी बना सकते हैं। तो मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको हाथ से बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको इसी तरीके से बेल लूँगी। तो पिज़्ज़ा बेस बनके मेरा रेडी हो गया है, देखिए। इसको मैंने इतना मोटा रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अभी इसको बेक करने की बारी है, तो बेक भी हम इसको पैन में ही करेंगे। तो इसको लिए मैंने यहाँ पे पैन में एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है और उसमें भी थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। अब इसमें फॉक से मैं इस तरह से होल कर लूँगी ताकि ये फूले ना और अच्छे तरीके से बेक हो जाए। उसके बाद इसको मैं बेक करूँगी। इसमें होल करने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा इसको बेक नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस देखिए 5 मिनट के अंदर में ही, या आप कह सकते हैं उससे कम ही समय में ये बनके तैयार हो गया है। देखिए ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको आप जैसे चाहें वैसे ही वेजिटेरियन स्टफिंग लगा के या नॉन वेजिटेरियन स्टफिंग लगा के कभी भी इसको खा सकते हैं, और 1-2 दिन के लिए इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी बनके तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।